किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पहले प्रयास में सफलता पाना काफी मुश्किल होता है। कई बार अभ्यर्थियों को लंबे समय तक मेहनत और सब्र रखना पड़ता है, लेकिन आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उस छात्रा ने यह मुश्किल काम कर दिखाया। कानपुर के निशि गुप्ता ने न सिर्फ पहले ही अटेम्प्ट में यूपीपीएससी पीसीएसजे की परीक्षा में सफलता पाई, बल्कि उन्होंने एग्जाम में टॉप भी किया। आइए आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं निशि की सफलता का वो राज जिसे हर स्टूडेंट को जरूर जानना चाहिए। निशि के पिता निरंकार गुप्ता कानपुर में एक पान की दुकान चलाते हैं और माँ रेखा गुप्ता एक गृहिणी है। जाहिर है ऐसे में उन्हें आर्थिक मुश्किलें आई होंगी जो उनकी सफलता की इस कहानी को और भी ज्यादा प्रेरणादायक बना देती है। पैसों की कमी जरूर थी, लेकिन उनके माता पिता ने घर पर उन्हें शैक्षणिक माहौल दिया जिससे उन्हें और उनके भाइयों बहनों को शिक्षा में अच्छे प्रदर्शन करने की मदद मिली। निशि शुरू से पढ़ने में तेज थी, इंटर में उन्हें 92% मार्क्स मिले थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा फातिमा कॉन्वेंट से की। निशा को बचपन से ही वकालत में जाने का शौक था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 2020 में BA/LLB और 2022 में LLM करने के बाद उन्होंने प्रयागराज में कोचिंग की। सिलेक्शन के बाद निशि का कहना है कि उनका सपना था कि वह जज बने और न्यायपालिका में अपना योगदान दे। आज उन्होंने अपना सपना साकार कर लिया है। परीक्षा में कुल 302 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए और लड़कियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। निशि गुप्ता के बाद दूसरे स्थान पर प्रयागराज के शिशिर यादव रहे हैं और कसरगंज की रश्मि सिंह तीसरे स्थान पर रही। भारत के भविष्य को उज्जवल बना रहे सभी छात्राओं को लाइव यूपी न्यूज 24 की तरफ से बहुत शुभकामनाएं।